मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा में रामनवमी एवं चैती दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक बीत जाने के बाद जहां प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं लोगों के बीच जो आशंका थी वो भी समाप्त हो गई। लेकिन इसे पूरा करने के लिए दरभंगा SSP, CTSP एवं पुलिस बल पूरी तरह तैनात थे। इस क्रम में दरभंगा SSP बाबूराम एवं CTSP योगेंद्र कुमार ने कई पूजा स्थलों का निरीक्षण भी किया और वहाँ पूजा अर्चना की। इसी अवसर पर बहादुरपुर के खराजपुर गाँव में चैती दुर्गा पूजा समिति के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्हें सम्मानित भी किया गया। दरभंगा में यूं तो जनता की समस्याएं काफी है, लेकिन कुछ ऐसी समस्या है जिसे जनता तरस्त होते हुए प्रशासन से अपेक्षा और गुहार लगाती है कि उन्हें मुख्य समस्याओं की ओर पुलिस और प्रशासन का ध्यान दे। लेकिन कई बार अधिकारी आते हैं और अपने कार्यों में लग जाते हैं और जनता की समस्या जस की तस रहती है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी समस्या के लिए सड़क पर उतरकर निदान के हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसे में ही 3 माह पूर्व दरभंगा के SSP का पदभार ग्रहण करने आए बाबूराम जी का ध्यान जनता की मुख्य समस्या दुर्घटना, जाम और शराब को लेकर था। शराब से जहां दहशत का वातावरण पैदा होता था, वहीं दुर्घटना से लगातार हो रही मौत को उन्होंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए कार्य किया और 70% निदान कर जनता के समक्ष एक मिसाल कायम की। लेकिन अधिकारियों को सम्मानित और सराहना करने की परंपरा नहीं है, क्योंकि सभी कहते हैं यह अधिकारियों का कर्तव्य है। लेकिन अगर जनहित में कार्य करने वाले अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो जनता की अधिकतर समस्याओं का समाधान यूं ही हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ जब दरभंगा के SSP बाबूराम और CTSP योगेंद्र कुमार रामनवमी और चैती दुर्गा को लेकर खराजपुर में प्रतिमा दर्शन करने आए और लोगों को शांति का और सद्भावना का संदेश देते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया। अस्मद वैनाशनम ओम नमः चंडिकाय। आय परम सौभाग्य की विषय थी जे जिनका संरक्षण में हमारा लोकन पल्लवित और पुष्पित होते रहे। एहन हमारा सदर के बड़ी पुलिस अधिकारी श्री बाबूराम जी एवं नगर पुलिस अधिकारी श्री योगेंद्र कुमार जी मैया के दरबार में उपस्थित है। तैं सर्वप्रथम हम मैया के दिश से हम हिनका दुनू आगत अतिथि के शक्ति धाम परिसर से मिथिला के भूमि से सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासी आशीर्वाद और मंगल कामना करे छे। दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा सती, परंतु ये कामना जे थी से अंतर्निहित कामना छे मिथिला के प्राचीन व्यवस्था प्राचीन गरिमा प्राचीन संस्कृति रहलैए जे सर्वस्याभ्यागतो गुरु अध्यागत जो हो सभक गुरु हो अतिथि हो तैं आतिथ्य सत्कार करवा हमार प्राचीन संस्कृति है। तैं अहा लोकनिक दिशा संपूर्ण ग्रामवासिक दिशा
एहि सिंधु शक्ति धाम के परिसरक दिशा पूजा समिति के दिशा आ हम स्वयं अपने दिशा दोनों मान्य अतिथि के मिथिला के प्राचीन धरा पाग एवं चादर से सम्मानित कर जा रहा है। हम चाहब ये अवसर पर अपने लोकन अपना घर में आयल ऐ दोनों मुख्य अतिथि के कलतल ध्वनि का स्वागत करब आशीर्वाद देव और मंगल कामना करब। जय माता। हम बता दें मिथिला मंच यूज के द्वारा लगातार SSP के साथ जनहित में कार्य किए जा रहे थे और SSP ने भी इस कार्य को सराहा। उन्होंने उत्साहित होकर जनता को सम्मान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि चुनाव के बाद जनता के हित के लिए जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो कार्य करेंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सड़क दुर्घटना को लेकर कार्य किया था जिससे 70% लोगों की अभी तक जान बचाई जा चुकी है। अभी आप अखबार में 1.5 महीने से कभी भी दुर्घटना की कोई बड़ी खबर नहीं देख रहे होंगे और अगर इसका श्रेय है तो लोगों का मानना है कि SSP बाबू राव को जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की आने वाले समय में हम उनके साथ मिलकर कार्य करेंगे। बहादुरपुर थाना के खराजपुर गांव में चैती दुर्गा पूजा 3 वर्षों से काफी धूमधाम एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में उल्लास के साथ ग्रामीणों के द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर SSP एवं CT SP को मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार पाग चादर एवं मंत्र उच्चारण के साथ उनका सम्मान किया गया। इसके पीछे एक तर्क था कि दरभंगा की जनता को मौत और घायल होने से बचाने में उनकी पहल जो 3 माह से चल रही थी उसका साफ असर देखने को मिला। DMCH एवं अखबारों के पन्नों में करीब 1 माह से दुर्घटना की ना तो कोई खबर है और 70% लोगों की जान SSP के नेतृत्व में किए गए कार्य से बचाया जा सका, इसलिए ग्रामीणों ने उन्हें सम्मानित करते हुए आश्वासन दिया जनहित में जब SSP को खराजपुर ग्रामीणों की आवश्यकता होगी वे उनके साथ सड़क पर उतरकर पुलिस प्रशासन की मदद करेंगे। इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सभी ग्रामीण मौजूद थे। अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के सभी आयोजकगण मनोज जी और सबसे बढ़कर यहाँ उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी के लोग बीच में आकर बहुत खुशी हुई, आप लोगों का सम्मान पाकर बहुत खुशी हुई, एक नया एहसास हुआ। वैसे मैं 3 महीने से दरभंगा में हूँ लेकिन इस तरह का मेरा पहला कार्यक्रम है जहाँ पब्लिक के बीच में जाके डायरेक्ट आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों को एक साथ इतनी खुशी से ये त्यौहार मनाते हुए देखते हुए मेरी तरफ से आप सभी को रामनवमी की भी चैती दुर्गा पूजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह मिलजुल कर एक परिवार की तरह हर त्यौहार मनाएं और मनोज जी ने जो चर्चा की वो तो इस शहर के लोगों का ही योगदान है। जनता की समस्या अगर अधिकारियों की नज़र में ना आए और अधिकारी उनके समस्या पर गंभीरता से विचार कर सड़क पर ना उतरे तो समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन अगर कोई अधिकारी जनता की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सड़क पर उतरे तो अधिकारी को जनता अपने दिल में जगह देती है, उनको याद कर उनके कार्यों को जनता और प्रशासन के बीच एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है। इस मौके पर SSP बाबूराम ने कहा कि उन्होंने सड़क दुर्घटना और शराबबंदी को लेकर कार्य किया लेकिन चुनाव की वजह से अपनी व्यस्तता को लेकर अभी और काम जनता के लिए करना चाहते हैं, जिसमें आप सभी ग्रामीण वासियों की मदद की आवश्यकता पड़ेगी और अगर आप सभी आधा घंटा के लिए समय दें तो जनता की प्रमुख समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। इस बात को सुनकर ग्रामीणों ने तालियों से उनका स्वागत किया। हम लोगों ने सड़क सुरक्षा के लिए और शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो भी कार्यक्रम किए उसमें शहर के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने और कई संगठनों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मनोज जी तो हमेशा आगे ही रहे इन कार्यक्रमों में। ये पूरी तरह एक टीम वर्क था जिसमें इस शहर के लोगों ने हम लोगों की हिम्मत दी हम लोगों को और हम लोगों को एक काम करने के लिए प्रेरणा दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव के बाद हम लोग फिर
इन कार्यक्रमों पे और ऐसे ही दूसरे कार्यक्रमों पे हम लोग अपना ध्यान देंगे। और इस बार मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी माताएं बहनें, जो महिला शक्ति इतनी बड़ी यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, आप भी किसी न किसी रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ें। तो ये जिम्मेदारी भी मैं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, पूजा समिति के अन्य लोग हैं, मनोज जी हैं, आप लोगों को देते हैं कि अभी तक हमारे कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे आए, एनसीसी आए और शहर के विभिन्न संगठन आए, लेकिन मास लेवल पे जो गांव के आम लोग हैं, अगर वो जुड़ जाएं, भले ही आप सिर्फ आधे घंटे के लिए अपना टाइम दें, तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और उससे बड़ी सफलता हम लोगों के लिए कोई नहीं हो सकती। हम आभारी हैं आप लोगों के, जो आप लोग हम लोगों पे इतना विश्वास करते हैं। और यकीन मानिए कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग दिन रात एक किए रहेंगे, आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। दरभंगा SSP बाबूराम जनहित में कार्य कर चुके हैं, इसी को देखते हुए ग्रामीण काफी उत्साहित थे। उन लोगों ने बाबूराम से आशा की कि वो उनके और जनहित में कार्य करें। इस मौके पर सभी ग्रामीणों ने उन्हें सम्मानित किया एवं मिथिला के परंपरागत रीति से उन्हें सम्मान भी मिला। खराजपुर गांव के पूजा में प्रतिमा दर्शन के लिए आए CT SP योगेंद्र कुमार ने कहा, दरभंगा में उनका अनुभव अच्छा रहा और वह जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या अगर अधिकारियों तक पहुंचे तो उनके निराकरण के लिए वह आगे तैयार रहेंगे। इस मौके पर CT SP को तिलक एवं पूर्णा संतु मनोरथा सुराम बुद्धिनाथ सुम। हा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवत्सी जायताम् महाराष्ट्रेरारण्यः घोरैकव्योत्पादे महारथो जायताम् दुग्धधेनुर्वो ढानर्वाणासुः सप्तेः पुरन्द्रजोघाजिष्णोरथेष्ठाः सवेयो जुवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे न पार्जन्यो वरदतु फलवत्यो न ओघधयः पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पन्ताम्। ॐ मन्त्रार्था सिद्धया सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशो मित्राणां मुदयस्तवः। शुभं भवतु कल्याणम् आयु आरोग्य विवर्धनम्। खराजपुर गांव में ग्रामीण विगत 3 वर्षों से श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना संपन्न करते हैं, जिसमें पूरे ग्रामीणों का सहयोग रहता है। ये खुशी की विषय है कि SSP यहां पहुंचकर लोगों को एकताबद्ध करने एवं शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न करने की अपील की थी, जिसे ग्रामीणों ने काफी सराहा। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना था कि SSP यहां आकर उनके सम्मान को बढ़ाया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने उन्हें सम्मानित किया परंपरागत विधि से एवं पूजा अर्चना के बाद उनके कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर मिथिला मंच की टीम मौजूद थी। SSP बाबूराम जी और CT SP योगेंद्र कुमार जी हैं। दो बात आप लोगों को कहेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत बात ऐसा होता है जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन उद्देश्य होता है कि आप लोगों की सुरक्षा और आप लोगों के हित के लिए कार्य करना। जैसे ही बाबूराम जी यहाँ पर आए सबसे पहले दरभंगा में, तो उन्होंने जो यहाँ की समस्या देखा उसके लिए उन्होंने सबसे पहले बैठक की। और हमें इस बात का खुशी है कि उन्होंने हमारे कंधों पर एक जिम्मेवारी दी थी, और इस बात की खुशी है कि हमने उसे सफलतापूर्वक काम किया है। और अगर कोई आपके कंधों पर जिम्मेवारी दे और उसका उद्देश्य सिर्फ आपकी रक्षा करना हो, तो इस पे जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। हम आपको बता दें, ये जिम्मेवारी थी, दरभंगा में लगातार दुर्घटना से मौत हो रही थी, अपराधी बढ़ गए थे, और एक प्लान के तहत हम लोगों ने लगातार कार्य किया
और आप एक से डेढ़ महीने का अखबार उठा के देख लीजिए, दुर्घटना में 70% की कमी आई है, 70% की कमी। और ये सिर्फ देर एसएसपी बाबूराम जी की है, क्योंकि हम लोग 9 बजे रात में भी 10 बजे रात में भी बैठ करके हम लोग प्लान तैयार करते थे कि कैसे करना है, और ये पूरी तरह से इन्होंने तैयार किया। और डीएमसीएच का रिकॉर्ड है कि डीएमसीएच में डेढ़ महीना में जो दुर्घटना का रेशियो होता था उसमें 70% कमी। और ये सिर्फ इनका ही नहीं, ये जो 70% लोग बचे हैं घायल से, मौत से, वो हम में और आपके ही घर का परिवार का कोई व्यक्ति होता जिसे इन्होंने बचा लिया। और इनकी निगाहें सभी पर है, ये एक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी समाज के प्रति सोचते हैं, और जो जनता के लिए सड़क पर उतरे समझिए वो वास्तव में जनता का हितैषी होता है, और वर्षों जनता उसे याद करती है। कुछ दिन यहाँ पर ट्रेनिंग में भी आए हुए, और इन्होंने भी कई स्तर पर हमारे साथ मिल करके पूरे मिथिला मंच टीम काम की साथ में, और बहुत खुशी है कि हम लोग बहुत कार्य कर पाए, लेकिन चुनाव आ गया, हमारे भी व्यस्त है और लोग भी व्यस्त है। चुनाव के बाद एक बार फिर हम लोग आम जनता के लिए जो भी कठिनाई समस्या होती है हम लोग रूबरू कराते हैं, और एक प्लानिंग के तहत हम लोग सड़क पर उतर के कार्य करते हैं, और वादा है आगे भी आप लोग के लिए काम होता रहेगा। धन्यवाद। करते हुए इनसे दोपहर में कहा था कि मिथिला की धरती बहुत ही पावन धरती है, बहुत ही सम्मान मिलता है यहाँ पे जो भी आता है, बहुत ही मीठा व्यवहार है बोलने में भी, एजुकेशनली और कल्चरली भी ये हब रहा है इस पूरे एरिया का, जो कि हमें निरंतर ही देखने को मिलता रहता है। हम अभी बस यही कह सकते हैं कि जिस तरह से हम आम जनता के लिए, शहर के लिए काम करते रहे, वो अभी 10% भी नहीं है, बहुत काम करना बाकी है, और जितना भी हमें समय मिलेगा हम उसमें निरंतर काम करते रहेंगे। और आप लोग की एक एक उम्मीदों पे या एक एक जो ज़रूरत है शहर की, चाहे वो क्राइम की दृष्टि से हो या कम्युनिटी पुलिसिंग की दृष्टि से हो या किसी भी चीज़ से जो आम आदमी के जीवन को छूता है, हम लोग उसमें निरंतर काम करते रहेंगे। बस आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा, हमारी बस इतनी अपेक्षा है। धन्यवाद। हालांकि यह मौका था पूजा अर्चना का, लेकिन ग्रामीणों ने इसी बहाने एसएसपी के कार्यों को लेकर उन्हें सम्मानित करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाया, और एसएसपी ने भी सभी को शांतिपूर्ण तरीके से पूजा संपन्न कराने एवं जनहित के कार्यों में भागीदारी निभाने का संकेत देकर चुनाव के बाद सड़क पर उतरकर समस्याओं के लिए कार्य करने का आमंत्रण दिया। इसे सुन ग्रामवासी काफी उत्साहित नजर आए। तो अभी आपने देखा मिथिला मंच का विशेष कार्यक्रम दरभंगा में जनहित के लेकर के एसएसपी के नामों की खूब चर्चा रही, और वो शांतिपूर्वक इस बार भी पूजा एवं रामनवमी संपन्न कराने में सफल रहे। उन्होंने अपने टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा, और लगातार उन्होंने फ्लैग मार्च के जरिए उपद्रवों के बीच दहशत कायम की, जिससे शांतिपूर्वक पूजा संपन्न हो गई। मिथिला मंच का यह कार्यक्रम देखने के लिए यूट्यूब में सर्च करें मिथिला मंच, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और फिर रहें अपडेट। चुनाव के हर पल की खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का सबसे प्रमुख टीवी चैनल है मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब में हर पल हर क्षण ब्रेकिंग के साथ। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा, आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें
रोज द मेडिसिटी दिग्गी वेस्ट मिसरटोला दरभंगा। पारस हॉस्पिटल मिथिलांचल का गौरव, आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने, बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में, इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2 न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक, जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा, निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा।